नमस्कार, आप न्यूज पीआर देख रहे हैं और मैं हूं प्रीति। केंद्रीय विद्यालय में नौकरी हासिल करने की चाह रख रहे बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में कई सारे पदों पर भर्तियां निकली है जिनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों मौजूद है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि किन किन पदों पर उन्हें ये बहाली करनी है, जिसमें पीटी टीचर, शिक्षक, संगीत टीचर, नृत्य टीचर, कई सारे टीचर के लिए ये भर्तियां शामिल है। आपको बता दें कि ये भर्ती किसी एग्जाम के बेसिस पर नहीं ली जाएगी, बल्कि ये भर्ती इंटरव्यू के आधार पर ही ली जाएगी। क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई, वो आपको अब बताते हैं विस्तार से। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS ने PRT, TGT, PGT, योग शिक्षक, खेल शिक्षक, नृत्य संगीत शिक्षक, विशेष शिक्षक, कंप्यूटर प्रशिक्षक, परामर्शदाता, नर्स, डॉक्टर, DEO और क्लर्क की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अनुबंध के आधार पर भर्ती पूरे भारत में इंटरव्यू आधारित आयोजित होगी। इच्छुक उम्मीदवार सीधे एक लिंक rai.sgn.kvs.ac.in पर क्लिक करके आवेदन जमा कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि और समय पर निर्धारित केंद्रीय विद्यालय शाखा में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। PRT के लिए योग्यता है कि इन उम्मीदवारों को 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा बेसिक टीचिंग ट्रेनिंग का डिप्लोमा या एलिमेंट्री एजुकेशन में ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना चाहिए। PGT के लिए योग्यता है कि BEd के साथ प्रासंगिक विषय में 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। TGT के लिए योग्यता है कि प्रासंगिक विषय में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट और BEd की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ CTET क्वालिफाई होना चाहिए। PRT के लिए वेतन करीब 26,000 है, PGT के लिए वेतन 32,500 है, TGT के लिए वेतन 31,250 है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय ने ये भर्तियां टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए रखी है और इस में कई सारे पदों पर भर्तियां भी हो रही है और ये कोई एग्जाम बेसिस पर नहीं होगा, बल्कि इंटरव्यू बेसिस के पर ये भर्तियां निकाली गई है और उनका चयन अब इंटरव्यू बेसिस पर ही होगा। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।